Assalamualaikum my YouTube family। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है विंटर स्पेशल गजरेला, जो कि सर्दियों में हर घर में बनाया जाता है। गजरेला बनाने में थोड़ी सी देर और मेहनत तो लगती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और ये हेल्दी भी होता है। मजीद मजे मजे के खाने सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में देसी घी ऐड करेंगे। आप इसमें बनस्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून घी लिया है मैंने देसी। देसी घी में सब्ज इलायची डालकर कड़कड़ा लेंगे, इनका कलर सुनहरा कर लेंगे। हाँ जी, मैंने गाजरें ली हैं, 1 किलो गाजरें ली हैं मैंने और इनको कद्दूकश कर लिया है। ऐसे आपने भी इसको कद्दूकश कर लेना है। इसमें हम गाजरों को फ्राई करेंगे। इससे गाजरें फ्राई करने से गाजरों का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और गजरेले का कलर भी बड़ा खूबसूरत सा बनता है। ये जी मेरी टिप है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। 4 से 5 मिनट हम गाजरों को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जी 5 मिनट हो चुके हैं, आप गाजरों का कलर देख सकते हैं। ऐसे आपने भी इसको फ्राई करना है। हाँ भैया जी, मैंने लिए हैं 1 कप चावल लिए हैं मैंने, बासमती चावल लिए हैं, साबुत चावल लिए हैं मैंने। आप इसमें टोटा चावल प्लीज़ ना यूज़ कीजिएगा, तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं बनता खीर में। तो इसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दिया है। यहाँ पर जी दूध लिया है मैंने 2 किलो, मलाई वाला दूध है ये। जी 1 कप मैंने मलाई ली है। जब हम घी बनाते हैं तो हम मलाई को ऐसे फ्रीजर में स्टोर करते हैं, तो ये वो है। 1 कप मलाई को हम दूध में डालकर हल्का सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पे जी हम चावल को बॉईल करेंगे। इस साइड पे जी दूध गर्म कर रहे हैं हम। हमने इसमें मलाई भी ऐड की है, तो ऐसे हम इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे जी चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जी दूध भी गर्म हो चुका है। अब हम दूध को गाजरों में ऐड करेंगे। यहाँ हमने दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो हमने बॉईल किए थे। मिक्स करेंगे इसको। ये रेसिपी जी मेरी मामा की रेसिपी है, तो मेरी मामा गजरेला बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, तो वो 1 घंटा तकरीबन हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। साथ साथ हम वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे। अगर गजरेला नीचे लग गया तो इसमें से जले की स्मेल आएगी, तो इसका कोई भी हल नहीं है। तो इसलिए आपने चमचा चलाते रहना है वक्फे वक्फे से। गाढ़ा होने तक हम इसको पका लेंगे। एक घंटा हो गया है, अब इसमें चीनी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। 20 मिनट हम इसको और पका लेंगे। 1.5 कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आप इसमें चीनी ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसा आप लाइक करते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे।
अगर आपके घर में गजरेला ज्यादा गाढ़ा पसंद नहीं किया जाता तो आप इसमें दूध 2.5 किलो या 3 किलो भी ऐड कर सकते हैं। मजेदार सा गजरेला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो तैयार है हमारा विंटर स्पेशल गजरेला। इसको हम गार्निश करेंगे अपनी पसंदीदा ड्राई फ्रूट के साथ। मैंने बादाम, पिस्ता और अखरोट के साथ इसको गार्निश किया है। ये इजी और सिंपल सी रेसिपी है। आप लोगों ने सारी रेसिपी देख ली है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपने घर वालों को बनाकर खिलाना है। उम्मीद है जी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी, मैं मिलूँगी आपको अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।